हाय गाइस, माय नेम इज हितेश। मेरी यूट्यूब चैनल नेटफ्लिक्स HD में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो मूवी रिलीज हो चुकी है 25 तारीख को, जिसका नाम है राम सेतु। राम सेतु से जुड़ी हुई आप मैं बताऊंगा कलेक्शन, यानी कि लास्ट 7 दिन में इसने कितना कलेक्शन किया है, क्या सही में लोगों को यह मूवी पसंद आई है कि नहीं आई है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मेरी यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गाइस ऐसे ही मूवी से जुड़ी हुई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मिलती रहेगी। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में बता दूं कि अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत फरूचा इसकी मूवी जो है राम सेतु के बड़े बड़े पोस्टर, अक्षय कुमार का एक्टिंग और गाइस यह साइंटिफिक रूप से जो बताया गया है राम सेतु के बारे में, उसका जो भी यहाँ पे हम देखें तो जिस प्रकार मूवी की रिव्यू आ रहा है, जिस प्रकार यूट्यूब पर देख रहे हैं हम लोगों के रिव्यू, तो गाइस यहाँ पे इतनी मूवी जो है बहुत लोगों को पसंद नहीं आई है। अगर पसंद नहीं आती तो गाइस कलेक्शन भी इसी प्रकार होता है। तो गाइस हम देखें तो आज का जो कलेक्शन है, कलेक्शन बॉक्स ऑफिस के हिसाब से हम देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पे फर्स्ट डे यानी कि 25 तारीख को कलेक्शन था 15.25 करोड़ इसका कलेक्शन था। 26 तारीख डे टू का हम कलेक्शन देखें तो गाइस यहाँ 11.40 करोड़, यानी कि 25% डाउन हो गया जो पहले दिन का कलेक्शन था उससे। 27 डेट का अक्टूबर का हम कलेक्शन देखें तो गाइस यहाँ 8.75 करोड़ से था, लेकिन गाइस वो जो मेन कलेक्शन था उससे 23% डाउन हो चुका था। यानी कि गाइस दिन प्रतिदिन जिसके रिव्यू जा रहे थे वो बहुत ही लोग यह मूवी के बारे में जो सोच रहे थे ऐसा लोगों को यहाँ पे नहीं लग रहा था, इसके लिए इसका जो कलेक्शन है डे बाय डे डाउन जा रहा था। गाइस 28 तारीख का अगर कलेक्शन देखें तो गाइस यहाँ पे 6.5 करोड़, यानी कि -30.86% जो है गिर चुका था जो 27 तारीख था। और यहाँ पर 29 अक्टूबर यानी कि सैटरडे के दिन जो लोगों को छुट्टी रहती, यहाँ थोड़ा कलेक्शन बढ़ा था, जो 6.75 था उसकी जगह 7.30 हो चुका था करोड़, यानी कि 20% अप हुआ था। लेकिन गाइस यहाँ पे और एक 30 अक्टूबर की बात करें यानी कि संडे की बात करें, यहाँ 7.25 करोड़ कलेक्शन था जिसका जो हम देखें तो यहाँ 60.68% कम हो चुका था। यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो अक्षय कुमार की मूवी है डे बाय डे, जो 41 डे में जो मूवी बना लेते हैं और उसके हिसाब से जिस प्रकार नाम है राम सेतु, राम सेतु में जो लोग सोच रहे हैं कि राम के बारे में कुछ रहेगा या राम की जो पुल जो था, जो पत्थर का पुल था, जो इस प्रकार श्रीलंका जाने के लिए हनुमान जी और राम जी ने मिलकर जो पत्थरों से पुल बनाया था उसके बारे में बहुत कुछ जानकारी होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाया नहीं गया। साइंटिफिक रूप से भी यहाँ पे कुछ भी लोगों को पसंद नहीं आया है। पसंद नहीं आने के कारण इसका जो कलेक्शन है गाइस यह इतना कम हो चुका है। यानी टोटल हम लाइफ टाइम यानी कि टोटल कलेक्शन देखे तो यहाँ 56 करोड़ ही हुआ है, जिसकी पूरी लागत जो है यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली है। तो गाइस यहाँ पे हम अगर सोचे तो मूवी की जो टोटल लागत है उससे हिसाब से यहाँ पे उनका कलेक्शन है बहुत ही कम है। और गाइस यहाँ पे जो हंगामा बॉलीवुड जो रिव्यू कहते हैं उसके हिसाब से यहाँ मूवी की जो रेटिंग है यहाँ 5 में से 3.5 है, लेकिन गाइज अगर हम जेन्यूनली अगर हम पूछते हैं लोगों को जो मूवी देखकर निकलते हैं उनको अगर पूछते हैं तो यहाँ बता देंगे गाइज यहाँ मेरे पैसे बर्बाद हो चुके हैं और अक्षय कुमार की जो एक्टिंग है वो नॉर्मल जिस प्रकार हर एक मूवी में करते हैं उसी प्रकार उसका जो एक्टिंग है वो है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है और कुछ भी नया यहाँ पे जानने को नहीं मिला। यहाँ पे राम सेतु यानी राम के बारे में कुछ उल्लेख भी नहीं किया गया है। ऐसा लग रहा है कि यह लोग जो है राम सेतु तो बनाना चाहते लेकिन इसका राम का कुछ मेंशन नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे पॉलिटिकल रूप से यहाँ इसको दिया गया है रूप। और गाइस इसका जो कलेक्शन यही बताता है कि इस मूवी में ज़्यादा दम नहीं है तो लोग इसे पसंद नहीं कर रहे, उसके कारण ही इसका कलेक्शन इतना कम हुआ है। तो गाइस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप बटन जरूर दबा देना। नई मूवी और नई मूवीज के रिव्यू लेकर हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय दोस्तों, बाय बाय।